क्या आप शादी करने के लिए लड़की की तलाश में हैं? सभी लड़के यही चाहते हैं कि उनकी शादी किसी अच्छी लड़की से हो। अच्छी पत्नी की तलाश आज से नहीं हजारों सालों से हो रही है। यहाँ तक कि श्री दुर्गा सप्तशती में भी अच्छी बीवी पाने के लिए एक मंत्र से देवी दुर्गा से प्रार्थना भी की गई है, यानी हे माँ दुर्गे, आप मुझे मेरी पसंद की और मेरे मन के अनुसार चलने वाली पत्नी प्रदान कीजिए। यानी एक बात तो तय है कि मन के अनुसार चलने वाली बीवी मिलना शुरू से ही मुश्किल काम रहा होगा। तो आज दकर्मा आपको बताने जा रहा है कि आप अपनी पसंद की बीवी कैसे प्राप्त कर सकते हैं और कैसे जान सकते हैं कि किस लड़की या औरत का स्वभाव कैसा है और कैसी स्त्रियों से सबको दूर रहना चाहिए। श्री शिव महापुराण के 24वें अध्याय में सनत कुमार जी व्यास जी से कहते हैं कि छोटे दिल वाली औरतें हमेशा सभी दोषों की जड़ होती हैं। इसलिए मोक्ष की इच्छा रखने वाले इंसान को ऐसी महिला की तरफ आकर्षित नहीं होना चाहिए, मतलब कि ऐसी महिला जिसके दिमाग में सिर्फ बुरे विचार आते हों, उनसे सदा दूर रहना चाहिए। इस बात को समझाने के लिए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक बार की बात है, नारद जी संपूर्ण लोकों में घूम रहे थे, तभी उन्हें पंचचूड़ा नाम की अप्सरा मिली। तो नारद जी ने उस सुंदर अप्सरा से स्त्रियों के स्वभाव के बारे में पूछा। पंचचूड़ा कहती है कि कुलीन, पतिमती और सुंदर रूप वाली स्त्रियां मर्यादा में नहीं रहती हैं। इसके बाद पंचचूड़ा कहती है कि मेरे जैसी स्त्रियों का ये एक बड़ा बुरा धर्म है कि हम लज्जा छोड़कर अन्य पुरुषों का भी सेवन करती हैं। अपने पति के पीछे बिना जाने हुए भी धनवान, रूपवान और अपने को चाहने वाले पुरुषों की कामना करती हैं और किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। बिना मर्यादा वाली स्त्री का स्वभाव। श्री शिव महापुराण के मुताबिक जो मनुष्य स्त्री को चाहता है, उसके समीप जाता है और थोड़ा भी उसकी सेवा करता है, उसे औरतें चाहने लगती हैं। बिना मर्यादा वाली औरतें पुरुषों के काम लुलुप न रहने से और पति आदि के डर से ही अपने पतियों की मर्यादा में रहती हैं। इनके लिए कुछ भी गलत नहीं होता। ये सुंदर और बदसूरत किसी भी तरह के पुरुष का सेवन कर देती हैं। ऐसी औरतें न भय, न क्रोध, न पैसे से और न जाति, न कुल के संबंध से ही पतियों के वश में रहती हैं। पति के वश में ना रहने वाली महिलाओं का स्वभाव। जो औरतें सदा बहुत सम्मानित होकर रखी जाती हैं, यानी जबरदस्ती मर्यादाओं के बंधन में बांध कर रखी जाती हैं, वो कुबड़े, अंधे, मूर्ख, बौने और लंगड़े मनुष्यों पर भी आकर्षित हो जाती हैं। ऐसी स्त्रियां अगर किसी तरह पुरुषों को प्राप्त नहीं कर पाती तो वे आपस में ही आसक्त हो जाती हैं, लेकिन अपने पतियों के वश में नहीं रहती। पुरुषों के नाम मिलने, परिजनों के भय से और वध के भय से ही ऐसी महिलाएं काम न रहित रहती हैं। चंचल स्वभाव वाली और बुरी चेष्टा वाली महिला भावुक होने के कारण बुद्धिमान पुरुष के द्वारा भी अपनाई नहीं जाती, वो सिर्फ संभोग से ही अनुकूल हो सकती है। श्री शिव महापुराण के मुताबिक जिस तरह समुद्र नदियों से तृप्त नहीं होता, उसी तरह ऐसी औरतें भी पुरुषों से तृप्त नहीं होती। दुष्ट स्त्रियां तो इच्छाओं को पूर्ण करने वाले, मान देने वाले, सांत्वना प्रदान करने वाले और रक्षा करने वाले प्रिय स्वामी के भी वश में नहीं रहती। औरतों के स्वभाव के बारे में बताते हुए पंचचूड़ा आगे कहती है कि ब्रह्मा जी ने जहाँ से पंच महाभूतों और लोकों का निर्माण किया, जहाँ से स्त्री और पुरुषों का निर्माण किया, वहीं से स्त्रियों में सर्वदा दोष का विधान भी किया है, मतलब कि स्त्रियों के दोष स्वाभाविक हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार।